नमस्कार, रागगिरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अपनी इंटरव्यू सीरीज में इन दिनों बातचीत कर रहे हैं डागर संगीत परंपरा की 20वीं पीढ़ी के कलाकार आदरणीय बहाउद्दीन डागर साहब से। आज बातचीत का दूसरा हिस्सा देखते हैं। तो हम अब इस इंटरव्यू के अगले हिस्से में जाएं, उससे पहले एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि इस पवित्र साथ से, रुद्रवीणा से आप हमें कुछ सुनाएं, कोई राग जो आपके दिल के बहुत करीब हो। अब मैं आपको शुद्ध सहारंग सुनाऊंगा। दोपहर का राग है, इसमें एक छोटी सी आलापति और जोड़, आलाप का कैसे जोड़ होता है एक लय से, और उसके बाद जो छंद चलते हैं झाले में, उसका एक छोटा सा उदाहरण। Thank you.
जोड़। Yeah.
मैं ये भी समझना चाहूंगा उस्ताद जी कि कलाकारों के जीवन में संघर्ष भी होते हैं और आपके जीवन में भी संघर्ष रहा, क्योंकि आप अभी बहुत मैच्योर नहीं थे जब आपके पिताजी का इंतकाल हो गया और फिर आपने अपने चाचा जी से सीखा। वो समय कैसा था चुनौतियों के लिहाज से? क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो मुश्किल हो जाएगा, सीख नहीं पाएंगे? आर्थिक संकट आया क्या? वो समय कैसा रहा आपके जीवन का? देखिए, जहां तक आर्थिक संकट का संबंध है, आप तो कोई भी बिजनेस करिए, आप भले पान की दुकान डाल दीजिए, शुरुआत में आर्थिक संकट तो आएगा ही। आप नौकरी भी ज्वाइन कर लीजिए तो आप अगर आप एक बेस लेवल से चालू कर तो आर्थिक संकट तो आएगा कि आपको घर लेना है, ये करना है, वो करना है। तो वो उस तरह से मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मैंने 1990 में पिताजी गुजर गए सितंबर में, और फिर 91-92 मैंने कोशिश की मैं कॉलेज जाऊं पढ़ूं, लेकिन मुझे कॉलेज जाकर यही लगा कि जितनी एजुकेशन मुझे देनी थी कॉलेज की तरफ से वो मुझे मिल चुकी है। अभी अगर मैं अपनी तरफ से बैचलर की डिग्री लूं तो इस डिग्री का वास्तव में मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। एक डिग्री के नाम में ठीक है, ये पढ़ा है, ये आर्ट्स में इन्होंने किया है, एंशिएंट इंडियन कल्चर में किया, इतना ही है होगा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर वो समय मैं संगीत में डालूं तो कुछ हो सकता है। जब पिताजी गुजरे, ये भी रहा कि जो जो चीज़ें उन्होंने संगीत के बारे में हमें बताई सालों से, वो गूंजती रही दिमाग के अंदर, और ये भी समझ में आया कि इन चीज़ों को करने के लिए आपको बैठकर रियाज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने उनके गुजर जाने के बाद शुरुआत से सारे गमा बजाना वीणा के ऊपर शुरुआत किया इमीडिएटली, कि मैंने कहा कि ये करना है तो ये करना पड़ेगा, इसके बगैर वो नहीं
संभव नहीं है। रागदारी या कोई भी राग को समझना, पहले तो हाथ के ऊपर काबू होना चाहिए, सांस के ऊपर थोड़ा काबू होना चाहिए, और फिर हाथ और दिमाग का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि आपने जो विचार किया वो बजना चाहिए, उसके लिए रियाज ज़रूरी है। तो हाँ, हमारी माँ थोड़ी घबरा गई थी कि अब क्या होगा, कि ये तो बिल्कुल 21 साल का है, ये इसका क्या होगा। तो हमने तो अगर कुछ नहीं होगा तो दो चीज़ें हम अच्छी तरह से करते हैं, हम वही करेंगे, एक तो बर्तन मांजना और एक कपड़े धोना। और मैंने बोला भूखे तो नहीं मरेंगे। और हमारे दोनों उस्ताद हमेशा कहते थे कि जो सरस्वती का साधक बनेगा, बेटा मैं लिख के देता हूँ कि उसको ज़िंदगी में कम होगा लेकिन कमी नहीं होगी, इतना याद रखना। बोले कहीं तुमको हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, इतना हम तुमको गारंटी देते हैं। तो उसी विश्वास के साथ हम उसमें कूद गए। और शुरुआत में ऐसे मतलब बिल्कुल ही बच्चे थे, कुछ आता नहीं था। अभी अगर सुन रहे हैं उस चीज़ को तो ऐसा लगता था कि कुछ भी, आधी चीज़ें आ रही आधी चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन ये था कि इतना ही था कि इसको बस करते जाना है। इसका कुछ, इसमें कुछ प्रोग्राम मिले नहीं मिले, कोई समझे नहीं समझे, मुझे तो यही करना है और मैं इसी से मेरी जीवनी करूँगा। उसमें चलेगी नहीं चलेगी वो बात की बात है, वो देखा जाएगा। और करते करते सब होते गया। ये बातें जो आप बता रहे हैं अपने दोनों उस्तादों की, विनम्र गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा उनके बारे में हमें और बताएं, क्योंकि उससे ना सिर्फ उनका योगदान, तो मुझे तो पता ही है कि उनका योगदान क्या है, उस योगदान के बारे में पता चलता है, बल्कि ये जो एक एक लाइन की आप सीख दे रहे हैं, ये सीख युवा कलाकारों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बातें वो गुरु कह चुके हैं उन्हें तो उनसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि आप आज हमारे साथ हैं तो आप बताइए अपने दोनों उस्तादों के बारे में। देखिए, हमारे दोनों उस्ताद तो वैसे उदयपुर में थे। जैसे राजे रजवाड़े ख़त्म हो गए 1947 में, तो फिर उन्होंने उदयपुर छोड़ा, वहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से कलकत्ता गए, और बम्बई आके उन्हें लगा कि ये सही जगह है रहने के लिए, कि यहाँ पर जो ईश्वर की जो कल्पना है वो काम से मतलब है कि आदमी कार्य करे, यही ईश्वर है। और जो आदमी बम्बई में कार्य करता है उसी को रिस्पेक्ट है, भले हो कचरा उठाए कुछ भी करे, लेकिन वो कार्य करना चाहिए। तो ये चीज़ उनको अच्छी लगी तो बम्बई आ गए वो लोग। जब शुरुआत में आए तो उनके पास कुछ नहीं था, वो कहीं पर भी मतलब फुटपाथ पे सोते थे, गार्डन में सोते थे, कहीं झोपड़पट्टी में कहीं रहते थे। ना उनके पास सास था, ना उनके पास कपड़े थे, ना खाने का ढंग से था, लेकिन उनके दिमाग में एक भूत सवार था कि इस संगीत को करना है। और क्यों करना है? क्योंकि बस उनको अच्छा लगता है, बस और कोई वजह नहीं थी, ना कि वो किसी परंपरा से बिलोंग करते हैं ना कहीं से। शुरुआत में जब पिताजी ने वीणा भी बनाई तो बहुत लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया कि अरे डागर साहब आप वीणा बनवा रहे हैं, कौन सुनेगा? आज के ज़माने में वीणा कोई नहीं सुनेगा, किसके लिए बजाएंगे? तो उन्होंने कहा मैं खुद के लिए बजाऊँगा, मुझे अच्छा लगता है, मैं इसमें इसी को करूँगा। शुरुआत में जैसे जब वो आए तो दोनों भाई मिलके सितार बजाते थे, सितार की डुएट्स करते थे। फिर धीमे धीमे उन्होंने वो छोड़ दिया। ये फिर उन्होंने डिसाइड किया कि पिताजी ने डिसाइड किया कि वो वीणा बजाएंगे जो उनको बचपन से बजानी थी, और हमारे चाचा जी ने डिसाइड किया कि वो गाना गाएंगे जो उनको बचपन से गाना था, और उसी के ऊपर अटल होके वो उन्होंने अपनी जर्नी चालू की। कुछ 20-25 साल के बाद जाकर फिर उनका धीमे धीमे उनका पैर बैठ गया और लोगों ने उनको एक्सेप्ट करने लग गए। और फिर उसके बाद कुछ फॉरेन के टूर्स हुए तो लोगों को लगा कि चलो ये काफ़ी सक्सेसफुल है, तो उसके बाद हिंदुस्तान में भी नाम हो गया। इस बातचीत में एक बार फिर वक्त है एक विराम का, और कल हम आपसे जब फिर जुड़ेंगे तो आपको दिखाएंगे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम हिस्सा। ज़रूर देखिएगा रागगिरी के चैनल पर।